नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। नया सत्र का शुभारंभ, 3 माह का स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम पूर्व वर्षों की भांति पुनः कक्षा 1 में आयोजित किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ ये पूरी 12 सप्ताह की कैलेंडर गतिविधियों का आयोजन करना है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ कक्षा 1 के बच्चों को कक्षा 1 के लिए तैयार करना है 3 माह में। ये पूरा कार्यक्रम 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और अगस्त माह के अंतिम सप्ताह और सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक इसका आयोजन हमें करना है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ असमंजस की स्थिति शिक्षकों के मध्य है कि कैसे होना है, क्या होना है, तो उसी पे पूरा आधारित आज का ये वीडियो है। जब आप इसको बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो सारे बिंदु बहुत ही स्पष्टता से आपको समझ भी आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा शासना आदेश है जिसके अनुसार हमें कार्य करना है। ये हम पहले भी आपसे साझा कर चुके हैं। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु इस पे हम आ जाते हैं, ये वाला समय सारणी, ये देख लीजिए। 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस गतिविधि कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर संचालन की समय सारिणी, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल बच्चों का प्रवेश, नामांकन और अभिभावकों का अभिमुखीकरण, 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस कैलेंडर 2024-25 का कक्षा 1 में संचालन, और उसके पश्चात अगस्त अंतिम सप्ताह, सितंबर प्रथम सप्ताह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रकृति का आकलन। देखिए, हमने शासनादेश पे पहले भी बात की है, उसका जो सार निकल के आता है, अगर आप ये मुख्य मुख्य बिंदु आप अपने किसी रजिस्टर में, किसी चार्ट में लिख करके अपने विद्यालय के किसी कोने में, अपनी कक्षा के किसी कोने में लगा देंगे तो आपके लिए भी सारे महत्वपूर्ण बिंदु स्मरण रहेंगे और कार्य बहुत सरल और रोचक हो जाएगा। छोटे बच्चों का शुभारंभ है विद्यालय में, तो निसंदेह उसको रोचक बनाना है और उनके लिए उनकी स्मृतियों में एक सुखद भाव भरना है। तो चलिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका अलग है। बाल वाटिका 52 सप्ताह का पूरा एक कार्यक्रम 1 साल का है जो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। स्कूल रेडीनेस कक्षा 1 जो नवप्रवेशी बच्चे हैं उनके लिए 3 माह का एक कार्यक्रम है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु 2024-25 के लिए, इसका शुभारंभ सत्र के साथ ही हुआ है। 1 अप्रैल 2024 से इसका शुभारंभ स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो पूरे 3 माह का है प्रारंभ कराया गया। इसमें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 के महत्व, हमें चहक, सभी परिचित होंगे इस नाम से, चहक फेज 1 जिसमें अभिभावक अभिमुखीकरण करना है, बच्चों का नामांकन करना है और अभिभावकों को अभिप्रेरित करना है बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए और उनको इसको स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के संबंध में पूर्ण जानकारी देनी है। इसी आयोजन में एक महत्वपूर्ण कार्य करना है हमें, शिशु मित्र का चयन। शिशु मित्र कोई भी हो सकते हैं, कोई भी अभिभावक या फिर उसी विद्यालय का कोई पूर्व छात्र जो यहाँ से पढ़ के जा चुका हो। इसके पश्चात है 15 अप्रैल 2024 से 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस पर आधारित प्रतिवर्ष की भांति जो कैलेंडर हमें उपलब्ध कराया गया विभाग के द्वारा, उसी के अनुसार कक्षा 1 में सत्रों का संचालन समयवार करना है। उसमें विधिवत गतिविधियां दी हुई हैं, विषयवार कैसे कार्य करना है, कौन सी गतिविधियां करानी है, कब करानी है,
शुभारंभ कहने कैसे करना है, सप्ताहवार दिनवार पूरा उसका विवरण बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसका एक उदाहरण हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये कुछ इस तरह से है, ये छठवें सप्ताह का निकल के आया, देखिए ऐसे है पूरा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शनिवार, और ये पूरा इस तरह से मॉर्निंग सर्किल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल, कला संबंधी गतिविधियां, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच और बाहरी खेल, और गुड बाय सर्कल टाइम। इस तरह से हमें डे बाय डे इस पे कार्य करना है और बच्चों को कक्षा एक के लिए पूरी तरह से खेल खेल में तैयार करना है। तो इस तरह से पूरा 12 सप्ताह का हमें कार्य करना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु, कई जगह ये असमंजस की स्थिति बनी है कि क्या कक्षा एक के शिक्षक परिवर्तित होंगे? नहीं, जिन शिक्षकों ने नोडल शिक्षक संकुल के नोडल शिक्षक के रूप में स्कूल रेडनेस प्रशिक्षण प्राप्त किया है वही कक्षा एक का संचालन करेंगे। किन्हीं परिस्थितियों में ऐसे अगर ऐसा बनता है कि शिक्षक नहीं है, लंबी छुट्टी पे हैं, उनका समायोजन हो गया है, तो वहाँ पे जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं वह स्वविवेक से सबसे बेहतर शिक्षक को कक्षा एक में नियुक्त करेंगे और उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। अब उसके बाद आते हैं कि इसका समापन, अगस्त अंतिम सप्ताह, सितंबर प्रथम सप्ताह, चाहे फेज वन हमने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य आयोजित किया, अंतिम हमें चाहे फेज 2 अगस्त अंतिम सप्ताह सितंबर प्रथम सप्ताह के मध्य करना है, जिसमें बच्चों का जो भी प्रगति हुई है उसका पूरा विवरण अभिभावकों के समक्ष रखना है, कुछ आयोजन करने हैं, और उनकी प्रोफाइल के माध्यम से उनको अवगत कराना है कि 3 माह में बच्चों में कितना परिवर्तन हुआ। उसके बाद जो हमारा कक्षा कक्ष कैसा होगा, कक्षा कक्ष में 4 कोने होंगे, सबको भली भांति अवगत है, पिछले 2 वर्षों पे हम इस पे काम करते आए हैं। नाटकी खेल का कोना, किताबों का कोना, कला का कोना, खेल का कोना, वो सारा आपको अपनी कक्षा कक्ष को बहुत अच्छे से सुंदर बनाना है, बच्चों के लिए तैयार करना है, और ये करने के बाद आपका कार्य बहुत सरल हो जाएगा। डे बाय डे आप अपनी गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों का आकलन करना है, ये आकलन 2 बार होगा, प्रथम आकलन, अंतिम आकलन। प्रथम आकलन बच्चों के आगमन से ही नहीं करना है, कम से कम 15 दिवस के पश्चात ही आप प्रथम आकलन करेंगे, और अंतिम आकलन इस पूरे कार्यक्रम के समापन के पश्चात जो फेज 2 आयोजन है उसके पूर्व करेंगे। बच्चों को प्रोफाइल का निर्माण करना है, एक एक बच्चे का सुंदर सा एक प्रोफाइल बनाना है, जिसमें 3 माह उन्होंने जो भी कला का कार्य, क्राफ्ट का कार्य, लेखन का कार्य जो भी किया उसको उसमें सहेजना है, और उपहार के रूप में जब चहक फेज 2 हम आयोजित करेंगे तो उसमें उनको उपहार के रूप में देना है। तो ये था हमारा पूरा स्कूल रेडिनेस 2024-25 के महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें सबका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया गया है, नोडल शिक्षक से लेकर के SRG और BO, BSA सभी की एक निश्चित भूमिका है। बहुत ही सुंदर कार्य है, विभाग द्वारा बहुत सुंदर पहल है, हम सब पूर्व की भांति इस पे बेहतर कार्य करेंगे और एक बेहतर परिणाम के साथ कक्षा एक के लिए बच्चों को तैयार करेंगे। और इन्हीं के साथ कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह स्वयं ही निर्मित हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक बहुत ही प्यारे से अच्छे से वीडियो के साथ। धन्यवाद।